दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के हमेशा की तरह एक टैबलेट जो कि मेराकी की तरफ से आता है। आइए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, जानते हैं इसका कुछ बेसिक डिटेल दोस्तों। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि आप देख सकते हैं काफी यूनिक तरीके से पैकेजिंग और फ्लिपकार्ट का ब्रांडिंग किया गया है, तो मुझे काफी अट्रैक्टिव और काफी यूनिक लगा इसका पैकेजिंग, जो कि आप भी देख सकते हैं ये 360 राउंड में मैं दिखा दूँ, तो इस तरीके से इसका जो है पैकेजिंग है। तो आइए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, जानते हैं इसका कुछ बेसिक डिटेल्स। दोस्तों ये इस तरीके से जो ओपन हो गया, ये देख सकते हैं काफी इमेजिंग तरीके से, ये अगर हमें कम करना है तो इस तरीके से, अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए हाइट मेंटेन हो गया काफी। अभी हम एक और खोल सकते हैं, जो कि मैंने बताया 7 फीट हाइट, तो अब आप देख सकते हैं कि इस लेवल तक गया है इसकी जो हाइट है, जो कि 82 इंच आता है। करते हैं इसको नीचे ताकि मैं इसके बारे में बता सकूँ, आप इसके बारे में बता सकूँ आपको अच्छे से। दोस्तों तो ये देख सकते हैं इसका काफी अमेजिंग तरीके से इसको काफी खूबसूरत काफी यूनिक तरीका का है। अब हम देख रहे हैं इसको कि ये जो है मोबाइल होल्डर है, जो कि हम इसके साथ मोबाइल आसानी से होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बात करूँ इसको अगर किसी भी एंगल से अगर रोटेट करना है तो आप ये रोटेट करते हैं, ये 360 डिग्री में भी रोटेट होता है। आप इसको वर्टिकल भी हम मोबाइल यूज करते कर सकते हैं, अगर मुझे मोबाइल होल्ड करना हो वर्टिकल तो वर्टिकल भी होल्ड कर सकते हैं, अगर अगर एंगल से अगर मुझे शूट करना हो तो मैं हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेरे इसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूँ ये इस तरीके से। अगर मुझे अगर इसको वर्टिकल अगर शूट करना होगा, मुझे वर्टिकल तरीके से मोबाइल लगाना होगा, तो मुझे इस तरीके से करके मैं यहाँ से जो है इसको लॉक कर दूंगा। आप ये देख सकते हैं काफ़ी, जो कि मैं आपको दिखा दूँगा अभी आप पूरा देख सकते हो। तो अगर मैं इसकी ब्रांड की बात करूँ तो ये जो है मेराकी की तरफ से आता है। मॉडल की बात करते हैं, मॉडल 33 आता है, जो कि ब्लैक यूनिक तरीके से। अब इसकी डिजाइन जो इसको डिजाइन किया गया है, किस लेवल के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये DSLR कैमरा, GoPro कैमरा, मोबाइल, ये सब के लिए डिजाइन किया गया है इसको। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैरी करने की जो कैपेसिटी है 2000 ग्राम, मतलब 2 kg इसकी कैरी करने की कैपेसिटी है, जो कि इसके साथ मेंशन किया गया है। इसकी जो वेट की बात करें तो ये 500 ग्राम इसकी वेट है, फुल वेट है। हाइट जैसा कि मैंने आपको बताया है, हाइट इसका 7 फीट मतलब 84 इंच है, जो कि हमारी जो एक स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 5'7" या 5'8" होता है, जो कि हमसे 16 इंच ये बड़ा है, जो कि हमें अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है अगर अटैच करते हैं इसके साथ मोबाइल को। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम अनबॉक्स किया था एक ट्राइपॉड, जो कि मेरे चैनल पे कुछ टाइम पहले अपलोड है, उसको भी देख सकते हैं आप, जो कि मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो ट्राइपॉड है इसमें और उसमें डिफरेंस ये था कि उसकी जो हाइट थी फुल हाइट वो थी 40 इंच, जो कि इसकी बात करें तो 82 इंच है ये टोटल हाइट उसमें, और इसमें ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये उससे। अब इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो जो इसका प्राइस रेंज आता है वो हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था अभी 350 में, जो कि ऑफ़र चल रहा था, जो कि आपको 400 के आसपास में मिल जाएगा। अगर हमारा इस ट्राइपॉड को लाने का इंटेंशन ये था कि हमारे जो भी यूट्यूबर हमारे जो नए हैं जिनका कम बजट है उनके लिए ये बेस्ट ट्राइपॉड होगा, आपको ब्लॉगिंग के लिए यूज करना हो या फिर अदरवाइज किसी भी कैटेगरी के लिए, अगर आपको किसी वीडियो शूट यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस ट्राइपॉड था। उस ट्राइपॉड में एक था कि उसमें बाबल यहाँ पे था, बाबल मिल जाता था जो कि आपके मोबाइल को स्टेबल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप हमारी मोबाइल जो है अब हमारा जो कैमरा है वो वीडियो रिकॉर्ड के लिए रेडी है, जो कि इसमें आपको स्टेबल खुद रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि स्टेबल है या नहीं है। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा है आपके हाइट के हिसाब से, आप देख सकते हैं कि आपको लेना कौन सा है।
दोस्तों तो इस तरीके से हमने आपको डिटेल दी है इस टाइप बोर्ड की। अगर ये आपको इंफॉर्मेटिव लगती है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।